अध्यक्ष जी, ये बिल नया नहीं है, ये बिल पुराना है, इसका इतिहास 27 वर्ष लंबा है। हमने देखा कि 1996 में सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा जी की सरकार इस बिल को लेकर आई थी और उसके बाद तमाम लोगों ने प्रयास किए, तमाम पार्टीज ने, सरकारों ने, 97, 98, 99, 2003 में वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार ने प्रयास किया, 2008 और 2010 में यूपीए की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सरकार इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में सफल नहीं हुई। सभी सरकारों ने विफलता का ही सामने किया। उस दृष्टि से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब इस विधेयक को लेकर आई है तो हम इसे सफलता तक, अंजाम तक पहुंचाने का काम इस बार करके दिखाएंगे। मैंने विपक्ष के साथियों की चर्चाओं को सुना, उसमें कई विषय सामने आए, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय था इस बिल के तहत जो हमारे पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करने का। अध्यक्ष जी, ये विषय गंभीर है और ये जो चिंता है वो नाजायज भी नहीं है, इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाएं एक जैसा ग्रुप नहीं है, एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है, महिलाएं एक हेटरोजेनस ग्रुप है, क्योंकि महिलाएं अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय से आती हैं और उनकी जो लिटरेसी लेवल्स होते हैं, जो उनकी शिक्षा का स्तर होता है वो भी अलग अलग होता है। और हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें जो हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं निश्चित रूप से वो हाशिए पर हैं और उनके लिए चुनौतियां अलग किस्म की हैं, उनके लिए चुनौतियां अधिक भी हैं और इसलिए उनके लिए ज्यादा संरक्षण की मांग भी समय समय पर होती रहती है। हमारी सरकार के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले इन 9 वर्षों में हुए हैं और एक सहयोगी दल की नेता होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे।